हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटवाल जॉब अपडेट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रुद्रप्रयाग जनपद की प्रत्यावेदन लिस्ट के बारे में। तो रुद्रप्रयाग जनपद की प्रत्यावेदन लिस्ट आ चुकी है। रुद्रप्रयाग जनपद में टोटल 15 सीटों पर आवेदन मांगे गए थे, जो सभी की सभी सीटें यहाँ पे दिव्यांग यानी कि पीएच छात्रों के लिए थी। तो रुद्रप्रयाग जनपद में आप 5 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं, या आप खुद कार्यालय में जाके यहाँ पे अपना प्रत्यावेदन जमा कर सकते हैं। तो 5 जुलाई को यहाँ पे अंतिम डेट है। तो ये आप सभी को जानते हैं कि जो लिस्ट है वो एक्सेल फॉर्म में आ रही है, ये फोन में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। तो आप लोग इस लिस्ट में अपना कंट्रोलर नंबर और अपना क्रमांक संख्या के हिसाब से अपना यहाँ पे अपना प्रत्यावेदन चेक कर सकते हैं। तो रुद्रप्रयाग जनपद में काफी ज्यादा जो अभ्यर्थी है उनका फॉर्म यहाँ पे अनर्हर पाया गया है, क्योंकि उनके द्वारा यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं लगवाया गया था पीएच का। तो आप लोग लिस्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है, ठीक है। इसमें सबका नाम पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है, 191 पेजेस हैं इसमें। ये लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इस लिस्ट को देख सकते हैं रुद्रप्रयाग जनपद की, जहाँ पे 15 सीट आवेदन मांगे गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रुद्रप्रयाग जनपद की लिस्ट, आपको अपना सीरियल नंबर के हिसाब से चेक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप काफी सारे अभ्यर्थी इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है दृष्टि बाधित का, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित सभी जो अभ्यर्थी है। इसमें काफी अभ्यर्थी ऐसे जिनका यहाँ पे अनकम्प्लीट पाया गया है। तो रुद्रप्रयाग जनपद वाले अपना एक सीरियल नंबर के हिसाब से अपना यहाँ पे प्रत्यावेदन चेक कर सकते हैं, किस किस के नाम के आगे यहाँ पे प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है उनको प्रत्यावेदन करना है। यहाँ पे 5 जुलाई तक आप बाई पोस्ट ये यहाँ पे खुद जा सकते हैं रुद्रप्रयाग जनपद में। तो यहाँ पे आपके नाम्स, आपकी डिटेल्स, ठीक है, आपका कंट्रोलर नंबर और आपकी अनर्हर सेवाएं हैं, आपके पूरे मार्क्स वगैरह दे रखी है रुद्रप्रयाग जनपद में। बाकी अगर आपके पास पीसी है तो पीसी में ये कन्वर्ट हो जाएगा, वहां से आप इजीली देख सकते हैं। अगर फोन का आपको ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहां से आप इसमें अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक है, जिन जिनके द्वारा भी रुद्रप्रयाग जनपद में यहाँ पे फॉर्म भरा होगा। तो यहाँ पे टोटल 15 सीटें थी। बाकी यहाँ पे काफी अभ्यर्थियों के जो डॉक्यूमेंट है वो अनकम्प्लीटेड है, क्योंकि वहाँ पे उनके द्वारा यहाँ पे पीएच का सर्टिफिकेट नहीं लगवाया गया था। तो आपको पीएच का सर्टिफिकेट लगवाना है, और 5 जुलाई तक आपकी अंतिम डेट यहाँ पे रखी गई है। तो यहाँ पे आप अपना नाम और सीरियल नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने हाई स्कूल स्नातक और आपके 12वीं के मार्क्स और TET, UTET और BEd के मार्क्स चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप प्रत्यावेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।